अच्छा जी, 20 मार्क का सवाल है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द अबव ऑप्शंस एंड गिव योर रिकमेंडेशन। ठीक है जी, 2011 समर में आया हुआ, मैं काफ़ी टाइम से इस तरह का सवाल एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ हमारे जिसे कहते हैं ना कि इसमें कैफ लेवल पे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इसको सही इतना देखिएगा क्योंकि अगेन जैसे मैं बेंच मार्क सवालों की जब लिस्ट बनाता हूँ, अभी आपने शायद देखा होगा मेरे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे कि मैंने कुछ BFD के भी बेंच मार्क सवाल जो है वो बनाए लास्ट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह KF8 के बनाए थे, काफ़ी जिसे कहते हैं कि लोग उसमें फॉलो कर रहे होते हैं, तो इस सवाल को मैं जरूर रखता हूँ। ठीक है जी, कभी भी ये पेपर में इस तरह का सवाल पूछ सकता है, बड़ी अच्छा सवाल है। रिक्वायरमेंट है इवैल्यूएट जो अबव ऑप्शन एंड गिव योर रिकमेंडेशन। सवाल पढ़ेंगे, ABC प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट्स अ फास्ट फूड चेन एंड हैज 15 आउटलेट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। 15 आउटलेट है जी पूरे पाकिस्तान में इनके। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं दैट कंपनी टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2011 इज एस्टिमेटेड 181 मिलियन। हमारा टर्नओवर कितना है जी, टर्नओवर है 181 मिलियन। ठीक है जी, आगे करते हैं। एंड द एनुअल फिक्स कॉस्ट एस्टिमेटेड 30 मिलियन। फिक्स कॉस्ट कितनी है इनकी जी, एनुअल फिक्स कॉस्ट है इनकी, सालाना फिक्स कॉस्ट आती है 30 मिलियन। 3 करोड़ रुपए की फिक्स कॉस्ट है जी, बड़ा काम कर 30 मिलियन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं द एनालिसिस ऑफ सेल हैज रिवील्ड द फॉलोइंग। चार तरह के प्रोडक्ट है, बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। सेलिंग प्राइस बताई हुई है, क्वांटिटी वाइज सेल्स रेशियो बताया हुआ है। क्वांटिटी वाइज सेल्स रेशियो से क्या जहन में आया, ये क्वांटिटी वाइज सेल्स रेशियो असल में क्या है, ये जो क्वांटिटी वाइज सेल्स रेशियो है इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं। सही कह रहे हैं सभी का सोहा अब्दुल्ला एतजाज, बिल्कुल सही है कि ये वेट है, वजन है, वेटेज है, रेशियो है। सही कह रहे हैं अदील इम्तियाज, हमाद शेख, एम उमर, बिल्कुल सही है, राहिल रफीक, मनीष, सही कहा आपने वेटेड। आगे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर सेलिंग प्राइस से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। द कंपनी हैज विटनेस वेरी लिटिल ग्रोथ इन टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द पास्ट 2 इयर्स एंड प्रॉफिटेड ड्यूरिंग द पास्ट 2 इयर्स। टू इंक्रीज ऑनर टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग फॉलोइंग ऑप्शन। नंबर 1 टू इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग डील्स। ठीक है जी, ये इन्होंने कहा जी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, मजा नहीं आ रहा काम में, तो जरा कुछ दो ऑप्शन निकालते हैं। पहला ऑप्शन है कि डील निकाल लें। पहला डील है डील 1 ऑफरिंग बर्गर, फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक फॉर 210 रुपए। पुराना सवाल है जी, अब इतने में डील नहीं आएगी, बहुत महंगी हो गई डील है। ठीक है ना, खैर 210 रुपए में मिलेगा बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक, सही है। और डील 2 में क्या मिलेगा, बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम फॉर 280। आइसक्रीम ऐड हो गई, कितने रुपए बढ़ गए, 70 रुपए बढ़ गए। दूसरा, एज अ रिजल्ट ऑफ द टोटल टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25%। अभी टर्नओवर कितना है, अभी तो बाद में कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं अभी टर्नओवर कितना है। ठीक है जी, 181 मिलियन तो रिवाइज हो जाएगा, 25% बढ़ जाएगा जी, सेल बढ़ जाएगी, फायदा हो जाएगा। द रेशियो बिटवीन सेल ऑफ डील 1 एंड डील 2 वुड बी 60% and 40% रिस्पेक्टिवली। 70% ऑफ द रेवेन्यू वुड बी जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द डील एंड 30% फ्रॉम द सेल ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अच्छा, डीलें बहुत बिकेंगी जी, डीलें आ गई, डील जो है वो बहुत ज्यादा बिकेगी, मगर इसके साथ एग्जिस्टिंग आइटम भी बिकेंगे, एग्जिस्टिंग आइटम 30% बिकेंगे। अच्छा अब यार एक काम करते हैं, कुछ काम करें ये बताइए मुझे, आपने टोटल सीएम की बेस पर डिसीजन लिया होता है, ये बताइए टोटल सीएम कैसे निकलता है। निकालने के दो तरीके हैं, टोटल सीएम निकालने के दो तरीके होते हैं, चार तरीके होते हैं टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट और से ये सीएम परसेंटेज इनटू यूनिट्स और सेल्स इनटू सीएम परसेंटेज, सेल इनटू सीएम परसेंटेज और सही का सुंदर जैन, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, सही कह रहे हैं ताइम रन, गुड। प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी, क्या ये बात समझ आती है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे ये भी फॉलो कर सकते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाता है ज्यादा, ये दो चलते हैं जो ज्यादा फेमस हैं, वो 2-3 हैं, दूसरा और तीसरा, 2 और 3। और इनमें से मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में ना मुझे ऐसा लगता है कि अमाउंट में सेल दी हुई है ये री, और अमाउंट में सेल दी हुई है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, वैसे दोनों चल सकते हैं, मगर ज्यादा झुकाव जो मेरा है ना
जो ज्यादा झुका हुआ है मेरा वही इस तरफ जाएगा फिलहाल। वैसे आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, 3 बेहतर रहेगा क्योंकि सेल रुपीज में दी हुई है, टाइम बचाएंगे ना। पेपर में आपको पता है टाइम का भी इशू आता है, तो टोटल सेम का आपका फॉर्मूला क्या है, सेल इंटू सी एम परसेंटेज, सेल इंटू सी एम परसेंटेज। ठीक है जी, बात समझ आती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि भाई द एनालिसिस ऑफ सेल हैव रिवील्ड द फॉलोइंग, बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, क्वांटिटी वाइज सेल रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बुक में है जी, बिल्कुल है, क्वेश्चन नंबर 30 देखें किताब में, बिल्कुल आखिरी सवाल है किताब का ही हमारी क्लास वर्क का, उसके बाद होमवर्क शुरू हो जाता है। सही है सर। अच्छा आगे, हाँ ये बात हो गई थी, सही है। अच्छा ऑप्शन टू क्या है, ऑप्शन टू, ऑप्शन वन में क्या बोला, ऑप्शन वन में कह रहे सेल बढ़ जाएगी, सही है। और क्या बोला कि डील 60-40 है, डील दो है, डील वन डील टू, सही है। तो यार एक काम करें यार, क्यों ना स्केच बना ले, मुझसे रहा नहीं जा रहा, स्केच बना लेते हैं, स्केच समझते हैं, याद आ रहा है हमारी टॉपिक में हमारे पेपर की अच्छी बात है, फॉर्मेट देंगे तो हम कुछ भी तरीके से काम कर लें। तो एक्सपेक्टेड सेल निकाल सकते हैं आप, रिवाइज सेल निकाल सकते हैं आप, एस्टिमेटेड सेल निकाल सकते हैं आप, कैलकुलेटर साथ रखें प्लीज भाई, एक इसका देख लो तरीके से, फिर अगले वाले में मैं एक्सपेक्ट करूंगा, आगे आप खुद बनाना शुरू करेंगे कैसे निकलेगी एस्टिमेटेड सेल। पुराने सेल 181 मिलियन है और वो हमसे फरमा रहे हैं कि 25% सेल बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी। थैंक यू सभी का, मुबस्सम, थैंक यू मुबस्सम, वेलकम बैक। ठीक है जी। अच्छा इसके अंदर दो 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 डिवीजन बनेंगे, सही है राइल रफीक, थैंक यू ताय इमरान, थैंक यू जी। इसमें दो डिवीजन बनेंगे, ये जो सेल निकली है ये डील वन डील टू ऐसे बनाऊं पहले, क्या डील वन डील टू डायरेक्ट ऐसे बना दूं क्या? हाँ वेलकम मुबस्सम, डील वन डील टू, नहीं 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 नहीं, पहले 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 पहले, हाँ सही कहा सबिका ने, मोनेस ने बिल्कुल सही कहा कि 70% आता है डील से और 30% आता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट से। डील नहीं लेनी जी, मुझे डील में लगता है इतना ज्यादा कौन खाएगा भाई, ज्यादा भूख नहीं है मुझे, अगर वैसे अभी तो बहुत भूख लगी है मुझे, खैर मगर क्या करें यार, सवाल कराना जरूरी है पहले। खैर तो इंडिविजुअल आइटम्स का अलग है और डील्स का अलग है, कितना कितना है बता दें, मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, मिलियन में लेन दे चले चाहे तो 158 पॉइंट, हाँ पहले जान पे जान, नहीं नहीं पहले आप, खैर जल्दी से करें शाबाश, 158.375, थैंक यू, थैंक यू सिमरन राय, राहुल रफीक, 68.675, थैंक यू मुबस्सम, 66.875। अच्छा डील में भी दो हैं, डील में भी टूटेगा, ये टूटेगा, डील वन अलग है, डील टू अलग है, याद आ रहा है ऐसा स्केच हम ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट में भी बनाते थे, सही ना, स्केचेस से काम आसान हो जाता है। कितना 60-40, चलें जी कितना बना, थैंक यू सामान सारी, थैंक यू ताय इमरान, 63.35। पेपर में देख रहे हैं आप, इंतजार नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, थैंक यू 67.875 है ये, 66.875 नहीं है, ठीक है 67.875, थैंक यू मोहसम, ठीक हो गया जी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं हमसे, आगे हमसे कह रहे हैं कि भाई रेशियो 25% नहीं बढ़ गया, सही है। अब ये तो डील, ये तो ऑप्शन वन की बात हो गई, ये तो ऑप्शन वन की बात हो गई, हमने ऑप्शन वन को देखा भी जिसमें डील्स है, अब आ जाए किसमें, सेकंड वे ऑप्शन टू, ऑप्शन टू में क्या हो रहा है, अंडर दिस ऑप्शन द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट वुड बी रिड्यूस्ड बाय 20% टू मेक द प्राइसेस कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि दूसरा के ऑप्शन है, एक और ऑप्शन कि हम डील पे ना जाएं, हम सारी प्रोडक्ट की प्राइस गिरा दें जी, 20% प्राइस गिरा दें टू मेक द प्राइसेस कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट जी, मार्केट पेनिट्रेट कर जाएं, लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कराएं,
कम प्राइस होगी तो ज्यादा खरीदेंगे। इन एडिशन होम डिलीवरी वुड बी अलाउड फॉर ऑर्डर ऑफ 250 एंड अबव। रही सी बात है, होम डिलीवरी 50 रुपए के बर्गर के लिए तो नहीं होगी, सही है ना। ये 80 रुपए की आइसक्रीम के लिए, 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक के लिए डिलीवरी करना मुनासिब नहीं है। तो होम डिलीवरी के लिए उन्होंने बोला भाई हमने 250 रुपए का थ्रेशोल्ड रखा है कि 250 रुपए का अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपको डिलीवर भी कर देंगे, फ्री डिलीवरी कर देंगे। होम डिलीवरी वुड रिक्वायर एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ 850,000 पर एनम एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 20 पर डिलीवरी। 20 रुपीज लगेंगे हर डिलीवरी पे। ये ख्याल में रहे कि पर यूनिट नहीं है, पर बर्गर नहीं है, पर फ्राइज नहीं है, पर कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये पर डिलीवरी है। यानी कि डिलीवरी में जो भी अमाउंट होगा, डिलीवरी में हो सकता है 2 बर्गर हो, 1 कोल्ड ड्रिंक हो, 3 आइसक्रीम हो, 5 फ्राइज हो, हाँ डिपेंड करता है। हर डिलीवरी पे 20 रुपए लगेगा पर डिलीवरी। इंपॉर्टेंट है इसका जो क्या कहते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी डिलीवरीज है, जो इसका लेवल ऑफ एक्टिविटी है ना, इसका डिलीवरीज है। लेवल ऑफ एक्टिविटी याद आ रहा है, कभी पैसेंजर तो कभी पेशेंट। हाँ अच्छा आगे, इट इज एस्टिमेटेड दैट द अबव मेजर वुड इंक्रीज टोटल सेल रेवेन्यू बाय 35%। ये ज्यादा पॉपुलर है यार, ये ऑप्शन 2 कह रहा है ज्यादा पॉपुलर है। इसमें कह रहा है कि सेल 35% से बढ़ेगी इंक्लूसिव ऑफ सेल थ्रू होम डिलीवरी विच इज एस्टिमेटेड 30 मिलियन। हाँ भाई इसका स्केच कैसे बनेगा, इसका मैं तुम लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा, वैसे अगर टाइम बचा तो इसमें ये होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा 35% से। उसकी 2 ब्रांचें होंगी, एक इंडिविजुअल होगी, एक प्रोडक्ट, एक होगी थ्रू डिलीवरी और एक होगा विदाउट डिलीवरी, सही है ना, एग्री करते हैं। एक थ्रू डिलीवरी होगी सेल और एक होगी विदाउट डिलीवरी सेल। आगे क्या कह रहे हैं, और एवरी रेवेन्यू पर डिलीवरी 600, ऑल सेल वुड इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग रेशियो एक्सेप्ट दैट द आइसक्रीम वुड नॉट बी सोल्ड थ्रू होम डिलीवरी। आइसक्रीम पिघल जाती है, मेरे ख्याल से आइस बॉक्स की फैसिलिटी इनके पास शायद अवेलेबल नहीं थी, तो इन्होंने बोला आइसक्रीम हम डिलीवर नहीं कराएंगे, आइसक्रीम आनी है खानी है तो आप आइए और आके यहीं से ही आइसक्रीम खा लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिकल तड़का इन्होंने लगाया। रिक्वायरमेंट इवैल्यूएट योर द अबव ऑप्शन एंड गिव योर रिकमेंडेशन। भैया स्टार्ट करें, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट में क्यों कह रहा हूँ, सीएम इसलिए नहीं कह रहा, प्रॉफिट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिक्स कॉस्ट अलग अलग है। यहाँ फिक्स कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, यहाँ फिक्स कॉस्ट जो है ऊपर कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो यार बताएं जरा प्लीज क्या करें, सेल आ गई, सीएम निकालना है, सेल आ गई, सीएम रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे सीएम रेशियो, टैक्स नहीं है इसमें, सीएम रेशियो कैसे निकालेंगे बताइए, जवाब दीजिए। प्रोडक्ट बर्गर फ्राइज कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम। हाँ भाई सीएम कैसे निकलेगा, निकाल सकते हैं ये वेटेड एवरेज। अच्छा वेटेड एवरेज करना पड़ेगा क्या, मोनिस मुश्तबा कुछ कह रहे हैं, क्या वेटेड एवरेज लगेगा, ये नॉर्मल सीएम लगेगा, पता है आपको वेटेड एवरेज सीएम रेशियो निकालने के लिए वेटेड एवरेज सीएम को डिवाइड कर देते हैं हम वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस से, ठीक है आसिफ ऐसा ही है, वेटेड एवरेज सीएम डिवाइड बाय वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस। तो प्रोडक्ट हमारे सामने, सही है जी, सेलिंग प्राइस हमें पता है, कितनी है सेलिंग प्राइस, 150, 40, 80, सीएम परसेंटेज कितना है। तो यार सीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं चाहे तो, अगर आप कहें तो निकाल सकता हूं मैं, जैसे आप बोले। सीएम पर यूनिट कैसे निकलेगा, रेशियो में पता है मेरे ख्याल से, क्या रेशियो है, 40, 45, 50, 60 कितना आ गया, 60, 22.5। हाँ जी अगर आप चाहें, अगर आप चाहें, बल्कि मैं कहूंगा अभी आसान है, क्या वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है,
क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल सकती है? एक सवाल है ऐसे ही, निकल सकती है, माइनस कर लेंगे, क्या कहते हैं, माइनस कर लें? अगर ये ए है, ये बी है, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी निकाल लें, कितनी आ रही है? ठीक है, हाँ डायरेक्ट 60% नहीं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हाँ सिर्फ सही कह रहे हैं कि 1 माइनस CM% कर ले, मगर मैंने कहा एक तरफ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के बगैर भी काम हो सकता है, सही कह रहे हैं मुनीस मुश्तफा, हो सकता है वैसे, मगर बेहतर निकाल के रख लें, हो सकता है आगे कहीं काम आ जाए, हो सकता है आगे कहीं काम आ जाए, हाँ रिमेनिंग परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी गुड राइट रफीक, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वेट कितना है? वेट, अच्छा वेट के बारे में एक बात करता चलूँ, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे आप मुझे बताना, जो अच्छा लगे आप वेट, वेट टोटल करो जरा, वेट का क्या रेशियो बन रहा है, क्वांटिटी वाइज सेल्स रेशियो, ट्वेंटी फोर जी, ठीक है कितना हो गया? अच्छा ये एक तरीका ये भी है, अब सुनना, एक तरीका ये है कि आप लिखो 6/24, देखना प्लीज, 7/24, 8/24, 3/24, एक तरीका ये जो मार्च से पहले करते हैं, और इन सारे फ्रैक्शन का सम क्या बनेगा, फ्रैक्शन समझते ना, इन सारे फ्रैक्शन का सम क्या बनेगा, 1, एक तरीका तो ये है, सही है, जो हमने आज से पहले बहुत दफा फॉलो किया और तकरीबन 8 साल में यही करते आ रहे हैं कि सम 1 बनता था, टोटल 1 बनता था, ये बात हमने बहुत दफा डिस्कस की ना, सही है। अच्छा सुनिएगा, ये भी मैं कर सकता हूं आज की क्लास में कि मैं ये ना करूं, क्या ऐसे लिख दो, इससे क्या होगा, क्या होगा, आंसर ज्यादा आएगा, बड़ा आएगा, कम आएगा, जो वेटेड एवरेज आएगा, वेटेड एवरेज आएगा सीएम पर यूनिट, और जो वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस आएगी वो बड़ी आएगी, जाती है छोटी आएगी, ऑब्वियसली अक्कल ये कहती है, समझ ये कहती है, मैथ्स ये कहती है, लॉजिक ये कहती है कि भाई आंसर बहुत बड़े बड़े आएंगे, बड़े बड़े आएंगे, मगर टेंशन की बात नहीं है, क्यों कि अगर ये भी बड़ा आ रहा आंसर और ये भी बड़ा आ रहा आंसर, तो क्या मैं कहता हूँ आपस में नलीफाई हो जाएगा, ये भी 24 गुना ज्यादा आएगा, ये भी 24 गुना ज्यादा आएगा, तो आपस में ये डेनोमिनेटर है ना, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना आपस में, दोनों चीजें पे ज्यादा आएंगी, वेटेड एवरेज सीएम भी ज्यादा आएगा, वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस भी ज्यादा आएगी, यही बात हुई ना कि हम क्या करते हैं, हम इसको डी बोलते हैं, हम कहते हैं ई इज इक्वल टू बी इंटू डी, और हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू ए इंटू डी, यही बात होती ना। तो यार अगर मैं मिसाल का थोड़ा ब्रेव स्टेप लूँ पेपर में, क्योंकि जितना आप फ्रैक्शन में निकलते हो उतना टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है कैलकुलेशन में, उतने सेकंड और मिनट ज्यादा लगते हैं, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि डायरेक्ट कर लूँ भाई, नहीं करूँ यार डिवाइड, क्या ख्याल है, ऐसा कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये 24 टाइम ज्यादा आएगा, ये भी 24 टाइम ज्यादा आएगा, क्योंकि अपॉन 24 नहीं किया, क्योंकि अपॉन 24 नहीं किया, मगर एट दी एंड कोई फर्क नहीं है ना, डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड, तो टाइम थोड़ा बच जाएगा, थोड़ा फ्रेंडली फिगर पे काम हो जाएगा, वरना डेसिमल में आपको बताया यार वो, और फ्रैक्शन में आपको बताया कि परेशानी थोड़ी रहती है, तो मैं इसीलिए आज, हालांकि इतने सारे सवाल हमने किए हैं तो एक नए तरीके से भी हमें पता होना चाहिए, तो करें ना मल्टीप्लाई बी बी डी डी इंटू बी, 360 आसान फिगर पहले लिख लेते हैं, ये ईजी हो जाएगा, सही कह रहे हैं, 144 हो जाएगा, 483 था, 160 हो जाएगा, 28 था, हाँ ये भी कह रहे हैं 22.5 इंटू 7
थैंक यू उसाम अंसारी, ऐड करें क्या आ रहा है, सही है, थैंक यू आदिल सलीम। सेलिंग प्राइस भी इतना कर लिया, 115 टू डी 900 की बनाई हुई हमने, 15 टू 7 350, 821.5, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, 40 इंटू 8 320 और 80 इंटू 3 240, 240 चेक करें क्या बनता है, थैंक यू आदिल सलीम। तो विजय सीएम रेशियो क्या हो जाएगा, कितना हो गया, कितना हो गया, ठीक है जी। मगर ये किसका है, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का है, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का, एग्री करेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एग्री करेंगे, डील्स का कैसे निकलेगा, डील्स का कैसे निकलेगा, डील का भी आसान है। यहां तक बात समझ आती है, कोई मुश्किल बात तो नहीं हुई अभी तक, ये स्केच मुश्किल तो नहीं था ये वाला, हाँ कि हमने पहले 1.2 से मल्टीप्लाई किया, डील अलग की और विदाउट डील इंडिविजुअल अलग किया, फिर हमने डील को भी सेग्रीगेट कर दिया, ये स्केच बताएं क्या पेपर में हम इतने इसको ट्रेस कर सकते हैं, इतना पिक कर सकते हैं कि भाई पेपर में आए तो बना लें, क्या ख्याल है, क्योंकि अब देखो अब करीब आ रहे हैं ना, सीवी से एंड हो रहा है माशाल्लाह, तो अब तो खैर जैसे हमें एक पीक अचीव करना है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, डील का सीएम रेशियो आप बताओ जरा, कैलकुलेट करो डील का सीएम रेशो क्या बनेगा, क्योंकि हम तो सीएम रेशो पे काम कर रहे हैं ना। डील की सेलिंग प्राइस चेक करें क्या है, डील की सेलिंग प्राइस है 210 और 280, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है डील की, हाँ भाई पहली डील में तो हमारे पास बर्गर फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक है, बड़ी भूख लग रही है इसको पढ़ के, तो मुझे वाकई में बर्गर फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक दिस एंड दिस, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बर्गर की कितनी है, देखो डील या काम हो गई वेरिएबल कॉस्ट, मोनिस मुश्तबा याद आया मैंने कहा था शायद काम आ जाए, 138 नहीं कोल्ड ड्रिंक भी है मुबसम इसमें, चलो कोल्ड ड्रिंक हमने ऐड कर लिया, गुड ठीक है। और डील टू में क्या है, डील टू में वही सारे लवाजम आते हैं, अगर आपने कहा नहीं आइसक्रीम भी खाएंगे जी, सही बात है, ऑनलाइन डिनर करना है एतजाज, हाँ ठीक है जी, कितना ऐड करें, 32 169.5 चलें जी, फिजिकल का पेशावर से आओगे तुम, अभी सीएम पर डील माइनस कर लें 72.5 110.5, ठीक हो गया जी, सीएम रेशो निकाल लेते हैं, खत्म करेंगे डील वन तकरीबन निमट गया, सीएम रेशो परसेंटेज जबरदस्त, सामान सारी जबरदस्त, कितना परसेंट आ रहा है, 34.5%, थैंक यू, डिवाइड बाय 280 39.46 कह रहे हैं उसाम अंसारी, मुबस्सम भी यही कह रहे हैं, ठीक हो गया जी, कुछ बात समझ आई, बात समझ आई, नोट करने का टाइम देता हूं, अभी डील वन हो जाए मैं नोट करने का टाइम देता हूं, डील वन कंप्लीट हो जाए, ऑप्शन वन कंप्लीट हो जाए
नोट करने का टाइम देता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर ऑप्शन वन, प्रॉफिट ऑप्शन में क्या आ रहा है, प्रॉफिट ऑप्शन में क्या आ रहा है देखें जरा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जीएम माइनस फिक्स कॉस्ट, टोटल जीएम माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ डील वन, सेल ऑफ डील टू, चले जी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल है 158. कितनी है 67.875, ठीक है जी, तो किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 67.875 इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल है, इसका सीएम रेशियो क्या है इंडिविजुअल सेल का 45.38, 45.38 इज दिस फाइन, 45.38% से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30.8 कह रहे हैं, 30.8 कह रहे हैं मुबस्सम, सही है, मिलियन में बात कर लेते हैं, ठीक है थैंक यू। उसामा अनिल अंसारी का भी आ रहा है, उसामा अंसारी का भी आ रहा है। सेकंड सेकंड डील वन, डील वन में क्या सेल है, डील वन में, डील वन में सेल है 95.025 इंटू क्या रेशियो है भाई डील वन का, डील वन का रेशियो ये रहा 34.5, ठीक है जी। एंड लास्ट डील टू 39.46% रेशियो है 63.35, क्या रेशियो था सॉरी 39.46, चलें जी ट्वेंटी फाइव आ रहा है, ठीक है ऊपर वाला क्या आ रहा है 32.783, ठीक है ऐड कर लें टोटल सीएम, सही है एक ही बात है ऐड करें 62, 87, 88 आठ बजे कहां से आ गए मुनिल मुश्ता, आठ तो कब के बज चुके 88.58, अच्छा 9 बजे हमें ही बोलूं, मैंने कहा यार तुम फिर रिकॉर्डिंग से देख लेना यार, ठीक है जी टोटल सीएम आ गया, इसमें फिक्स कॉस्ट लेस कर दें, फिक्स कॉस्ट लेस कर दें कितनी 181 नहीं 830 मिलियन, कोई बात नहीं 30 मिलियन, नमाज पढ़ लो पहले, तुम नमाज पढ़ लो, नमाज जरूरी है मेरे पास, यह 9:15 तो इसका मुझे एडवांटेज है यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट अंडर ऑप्शन वन, क्या ये बात समझ आती है, आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए, अच्छा ये मैं भी नोट करने का मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ओरली ब्रेनस्टॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैं नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, एक मिनट रुकेंगे, हाँ तकरीबन आ जाएगा समान हो गई, वैसे खैर है वो बात नहीं, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है बेस्ट हो गया, बेहतरीन हो गया, अच्छा मगर पढ़ लेना जमात से, देखो जमात नहीं जानी चाहिए ना, गुनाह मुझे मिल जाएगा, अच्छा ये ऑप्शन टू को आप पहले ओरली ब्रेनस्टॉर्म कर लो फिर आप नोट कर लेना, मैं ऑप्शन टू के लिए आपको टाइम देना चाहता हूँ 2-4 मिनट। अंडर दिस ऑप्शन द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट वुड बी रिड्यूस बाय 20%, प्राइस कम कर दोगे, एग्री करते हो, देखो ये प्राइस है ये कम कर दोगे, इज दिस फाइन, प्राइस कम हो जाएगी 20% से, हाँ एग्री करते हो, आगे क्या कह रहे हैं प्राइस 20% से कम करिएगा, और आगे कह रहे हैं कि इससे कॉम्पिटेटिव हो जाएगी, होम डिलीवरी वुड बी अलाउड फॉर ऑर्डर ऑफ 250 अबव, होम डिलीवरी वुड रिक्वायर एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ 850, एडिशनल फिक्स कॉस्ट काम किए जी माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए पर डिलीवरी है, इट इज एस्टिमेटेड अबव मेजर वुड इंक्रीज टोटल सेल रेवेन्यू बाय 35%, हाँ भाई स्केच बंदा नजर आ रहा है, स्केच बंदा नजर आ रहा है कि 35% से सेल बढ़ जाएगी, 35% सेल बढ़ जाएगी जिसमें होम डिलीवरी की सेल 30 मिलियन है, अगर होम डिलीवरी की सेल 30 मिलियन है तो बाकी कौन सी सेल होगी, बाकी इंडिविजुअल सेल हो जाएगी, एग्री करते हो, अगर होम सेल होम डिलीवरी 30 मिलियन है तो बाकी इंडिविजुअल सेल हो जाएगी,
रेवेन्यू डिलीवरी का 600 है. ऑल कॉस्ट सेल्स एंड फूड इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग रेशियो एक्सेप्ट द आइसक्रीम वुड नॉट बी सोल्ड थ्रू होम डिलीवरीज. क्या सीएम रेशियो चेंज होगा नहीं होगा, बस ये बता दो. क्या सीएम परसेंटेज दोनों का सेम रहेगा या चेंज होगा? क्या सीएम परसेंटेज सेम रहेगा? मैं सॉल्व करूंगा, मगर मैं चलो वेरी स्ट्रॉन्ग कर लें आप लोग. सॉल्व मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा सॉल्व. चेंज होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है. इंडिविजुअल कभी सेल होगा? इंडिविजुअल कभी चेंज होगा? इंडिविजुअल कभी चेंज होगा? पहले सेल प्राइस बढ़ी थी, अब हमने कम कर दिए. और होम डिलीवरी कभी सीएम रेशियो चेंज होगा? वेरिएबल कॉस्ट नहीं छेड़ेंगे, क्वालिटी नहीं गिराएंगे डिलीवरी में, क्वालिटी नहीं गिराएंगे, जैसे अल्लाह माफ करे हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स करते हैं, ठीक है ना. पिज्जे की क्वालिटी नहीं गिराएंगे, डील पे दिया सही है, सस्ता कर दिया, मगर याद है क्वालिटी नहीं गिराएंगे. चलो एक काम करो, मैं यहाँ पे तुम लोगों को टास्क देता हूँ, पहले इसको नोट करो और फिर ऑप्शन टू खुद से ट्राई करो अभी मेरे सामने. पहले ऑप्शन वन नोट कर लो यार, ऊपर वाली चीज इतनी काम की नहीं है. मैं नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज नोट इट डाउन. और ये पीछे भी इसका सोल्यूशन वैसे मौजूद है किताब में, मेरा अपना बनाया हुआ सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन मौजूद है. अगर चाहो तो नोट कर लो और ऑप्शन टू को जरा खुद से ट्राई करो जल्दी से. शाबाश, क्विकली क्विकली. मैं अजान के बाद करूंगा, रिकॉर्डिंग वाले अजान रिकॉर्डिंग पॉज करके काम करें. अच्छा जी, ऑप्शन टू हुआ किसी से? ये अभी नोट कर रहे हैं, चलिए बताएं ऑप्शन टू. शाबाश, ये इजलाल मैंने दिखा दिया. अच्छा ऑप्शन टू में क्या कहा था मैंने आपको कि भैया क्या करेंगे, आई होप आपके अपने आंसर मैच भी कर लेना. ऑप्शन टू में कह रहे हैं जी एक्सपेक्टेड सेल कितनी है, एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है, बाद में सेल कितनी हो जाएगी, 181 इंटू. यार टाइम कम है, नमाज का टाइम हो जाएगा, ये नो के रह जाए 244.35, ठीक है. अच्छा इसके अंदर दो हैं, एक है सेल थ्रू डिलीवरीज जो कि खुद कह रहे 30 मिलियन 3 करोड़ रुपए की सेल की है, और अदर सेल ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स. बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है, बहुत करीब आ गए अब हम. क्या करेंगे यार, आपको पता है तरीकेकार, आपको पता है क्या तरीकेकार है बताइए. प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सीएम पर यूनिट, वेट, वेटेड एवरेज. सीएम पर यूनिट, सेलिंग प्राइस, बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम. सर्दियों का सवाल है, चल जाएगी इसके, नहीं गर्मियों का. हाँ सर्दियों का सवाल होता तो मैं कहता नहीं खाना, गला ना पकड़ लेना, पेपर करीब है यार थोड़े टाइम. खैर तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 80% से कम हो गई. ओल्ड इनटू 0.8, ओल्ड इनटू 0.8 120 40 32 बगैर कैलकुलेट करो, मुझे बताना कहीं गलत हो तो. 64 एग्री करते हो? अरे बाबा 20% से कम की ना प्राइस इसने, बोला बोला कहाँ बोला, ये देखो ये बोला बोला हम सस्ता करेंगे ताकि ज्यादा बिक जाए, ठीक है जी कर दो कम. 64 आ रहा है आखिर में, हाँ सही है, आइसक्रीम 64 की हो गई है. वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, ये बात हुई थी हमारी, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी. कितनी है वेरिएबल कॉस्ट, ये लीजिए वेरिएबल कॉस्ट 90. सही है ना भाई, क्वालिटी थोड़ी गिराएंगे ब्रेड की, क्वालिटी थोड़ी गिराएंगे चिकन की. तो सीएम कितना हो गया 30 12.5 12 32. वेट कितना है, वेट वही है. चलें जी गेम खत्म होने का टाइम आ गया. ये वैसे सवाल कैसा लग रहा है मुझे बताएं, डिफिकल्टी लेवल अगर 10 मींस द मोस्ट डिफिकल्ट एंड 0 मींस मोस्ट इजी, कैसे रेट करते हैं अभी तक सवाल को? 10 बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट एंड 0 मींस बिल्कुल ही इजी.
ओ माय गॉड, जीरो भी आ रहे हैं आंसर। 5, 8 उसामा अंसारी मुश्किल लग रहा है, ताह इमरान को आसान लग रहा है। 8 का मतलब उसामा अंसारी तुम कह रहे हो बहुत मुश्किल है, अनिल अंसारी एवरेज कह रहे हैं। अच्छा टाइम कंज्यूमिंग तो है मगर 20 मार्क भी तो है। महम शेख ओके, जोहर ठीक है, उल्टा हो गया उसामा अंसारी कह रहे हैं उल्टा हो गया। महम शेख आप कह रहे हो बहुत मुश्किल है, 8.5 आपने लिखा, 8.5 मीन्स वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट थिंक सो। 1.5 तो नहीं कहना चाह रहा था। सी एम इंटू वेट 180, सी एम इंटू वेट 96, सही है, विथ प्रैक्टिस 5, गुड ठीक है। मैं करा रहा हूँ तो आसान लग रहा है, ये बात भी है, पेपर में मैं नहीं हूँगा। पॉइंट पॉइंट लाए बिल्कुल। अच्छा मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, 87.5। ऐड करिए जरा शाबाश, ऐड करिए, फर्स्ट टाइम करना बहुत मुश्किल, फर्स्ट टाइम करना ज़्यादा डिफिकल्ट। अब पेपर में आया तो अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा, अब तो हो जाना चाहिए यार, और आने के चांस काफ़ी टाइम से होगा ना। मुबस्सम 24 से मल्टीप्लाई हुआ भाई चंदा, 24 से मल्टीप्लाई हुआ ना इस वजह से बड़ा है, ये पहली बात हुई थी। सिमरन भाई चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं, मेरे ख्याल से सही है, मैं चेक कर लेते हैं एक मिनट। सेलिंग प्राइस का वीडियो भी निकालो यार, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। 720 280, 32 into 8, 32 8 था 256, चेक करते रहना भैया, चेक करते रहना। और 64 3 का कितना होता है, 128 128, 192 192, ऐड करिए इन सबको। इंडिविजुअल प्रोडक्ट आफ्टर प्राइस चेंज, ठीक है, थैंक यू सामान सारी। कितना आ रहा है परसेंटेज बताइए, 1448 परसेंटेज ही बता दें। कितना आया जी, 31.73%, बेस्ट हो गया। अच्छा डिलीवरी सेल्स की भी निकाल लो, डिलीवरी सेल्स की भी निकाल लो जरा, कि सेलिंग प्राइस ऑफ डिलीवरी सेल्स कितनी है। नहीं हाँ सेलिंग प्राइस, डिलीवरी सेल में वो नहीं है ना यार तुम्हारा, या डायरेक्ट निकालें सीएम रेशियो फॉर डिलीवरी सेल्स, सीएम रेशियो फॉर डिलीवरी सेल डायरेक्ट निकाल लें। एक डिलीवरी में वो क्या कह रहा है, डिलीवरी में क्या क्या कह रहा है, कह रहा है डिलीवरी में आइसक्रीम नहीं है बाकी सब कुछ है, डिलीवरी में आइसक्रीम नहीं है बाकी सब कुछ, एग्री करते हो तो डायरेक्ट निकाल लें क्या डिलीवरी सेल्स का रेशियो, तो क्या क्या है भाई इसमें, डिलीवरी में आइसक्रीम है, बर्गर फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक है, तो सीएम कितना है बर्गर फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक का, क्या कहते हो आप, शुरू के 3 ऐड करेंगे, सही कह रहे हो सामान सारी। कितना आ रहा है परसेंटेज, कितना आ रहा है, 28.9, सिमरन रहा है आपका भी यही आ रहा था शायद, आपने शायद 28.9 बताया था, मगर वो डिलीवरी का होगा, फिर वो एग्री करते हैं शायद, मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले आपने कमेंट में बताया था शायद 28.9, मैंने कहीं याद पड़ रहा है। ठीक है आदिल सलीम थैंक यू, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया, बस फाइनल करते हैं इसको, फाइनल करते हैं इसको, ऑप्शन टू को फाइनल कर लेते हैं। एक चीज़ है इसमें बताता हूँ क्या, छोटी सी चीज़ है, ब्लू से करेंगे इसको। हाँ ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि रेशियो निकालना है, रेशियो तो ऐसे ही निकलेगा ना मनीष, रेशियो तो क्योंकि आइसक्रीम मना कर दिया तो आइसक्रीम हटा दिया हमने, आइसक्रीम हमने हटा दिया, क्या ख्याल है, आइसक्रीम के अलावा जो है सब रख दिया। अच्छा अब देखना जरा प्रॉफिट निकालना है, सीएम फ्रॉम इंडिविजुअल सेल्स, ऑप्शन टू की बात हो रही है, इंडिविजुअल सेल्स का सीएम कितना, 214.35 इंटू कितना रेशियो आया, 31.73, देखें क्या बन रहा है, देखें क्या बन रहा है। और सीएम फ्रॉम डिलीवरीज, डिलीवरी सेल्स, डिलीवरी के थ्रू सेल्स हो रहा है उसका क्या सीन है, 30 million इंटू क्या रेशियो बना, अभी निकाला हमने 28.9 अभी निकाला, 28.9 ये रहा 28.9 यार,
ठीक है, ठीक हो गया, ऐड करो जरा, फिक्स कॉस्ट दो है, फिक्स कॉस्ट दो है, 30 पुरानी है, 30 पुरानी है फिक्स कॉस्ट, और एक नई फिक्स कॉस्ट भी है ना यार, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है डिलीवरी की, 30 मिलियन नहीं, कहाँ गई ये, 850,000 सॉरी 850,000, और एक कॉस्ट और भी बताता हूँ मैं, 8.5 लाख, और लेस डिलीवरी कॉस्ट। अच्छा ये फिगर बता दे जो क्या आ रही है, नेट प्रॉफिट इज ऑप्शन टू, इंडिविजुअल सेल्स का सीएम कितना आ रहा है जी, 76.68 कह रहे हो, ये तो टोटल लग रहा है मुझे, 68.01, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बताया भाई अनिल अंसारी ने बताया, 8.67, थैंक यू वेरी मच, 76.68, थैंक यू वेरी मच। किसको अकोमोडेट नहीं करेंगे अभी मुबस्सम, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, असल में जो डिलीवरी की वेरिएबल कॉस्ट है चंदा ऊपर डिलीवरी है मुबस्सम, वो जो डिलीवरी की वेरिएबल कॉस्ट है पर बर्गर या पर फ्राइज या पर कोल्ड ड्रिंक नहीं, पर यूनिट नहीं है उसका लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो यूनिट नहीं है उसका लेवल ऑफ एक्टिविटी डिलीवरी है, तो वो मैं अभी यहाँ माइनस करूंगा, देखो मैं यहाँ माइनस करूंगा, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, डिलीवरी कॉस्ट रह गई। अच्छा डिलीवरी कॉस्ट कैसे निकलेगी ये देख लो यार प्लीज, डिलीवरी कॉस्ट कैसे निकलेगी ये देख लो, लास्ट पॉइंट नहीं ऐसा नहीं, अच्छा हाँ सही, उसामा अंसारी ने निकाल लिया यार, वेरी गुड, डिलीवरी सेल्स कितनी है देखना प्लीज यार, उसामा अंसारी ने निकाल भी लिया, डिलीवरी सेल्स कितनी है, और एक डिलीवरी कितने रुपए की होती है, एक एक डिलीवरी में कितने रुपए की सेल हो रही है, एक डिलीवरी में कितने रुपए की सेल हो जाती है अंदाजन, हाँ 250 रुपए की, नहीं 250 रुपए तो मिनिमम है यार, 250 रुपए का तो फोन बंद कर देगा, अगर आपने बोला 50 रुपए का कोई आइटम मंगवाया बोलेगा कहाँ आ गया भाई बंदा, नहीं 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 भाई, कितने की एक डिलीवरी है, 600 रुपए की है, 600 रुपए की है, तो क्या आप नंबर ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हो, हाँ मुबस्सम क्या नंबर ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका लेवल ऑफ एक्टिविटी डिलीवरी है चंदा, पर डिलीवरी का मतलब मुझे नंबर ऑफ डिलीवरी से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, जितनी भी सेल्स वालों ने ये इतने पिज्जा वालों ने डिलीवरी रखी तो कितनी डिलीवरी से निकाल लो यार, 600 रुपए का एक 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 ऑर्डर 600 रुपए का एवरेज, तो कितने ऑर्डर है इस तरह बात कर लेते, चलो चले जी, नहीं 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 सिमरन अजी देखते हैं, हाँ 50,000 डिलीवरीज, और एक एक की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज, अब तो ज्यादा लगेगी पेट्रोल महंगा हो गया, कॉस्ट पर डिलीवरी इज 50, कितना हो गया 1 मिलियन, थैंक यू 1 मिलियन कह रहे हो पक्का, चलो जी इसको माइनस करो, गेम खत्म, देखिए प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट क्या आ रहा है, बीस रुपए है ना, कुछ गलती तो नहीं हो गई है, 30 मिलियन डेढ़ 600 और 20 रुपए, हाँ 20 रुपए था ना, सही तो है, सही है भैया सही है, तो कौन ज्यादा है कौन बेहतर है, ऑप्शन वन बेहतर है ऑप्शन टू बेहतर है, लास्ट कमेंट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी 850 की ले ली हमने, ये ली आदिल सलीम, ये ली आदिल 0.85 की एडिशनल फिक्स कॉस्ट ये रखी हुई, चंदा नजर आई, देखो 30 में ऐड कर दिया मैंने, ऊपर ही ऐड कर दिया आदिल, तो यहाँ प्रॉफिट कितना आ रहा है, बेस्ट है, ठीक है जी 58.58, ओ इतना बड़ा फर्क, इतना बड़ा मार्जिन, बंद करें जलाल अपनी तस्वीर प्लीज, ए जलाल चंदा नमाज का टाइम भी हो रहा है, क्या चाह रहे हो, हाँ ठीक है जी, तो कितना हो गया जी, ऑप्शन वन में ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट और ऑप्शन टू में कम आ रहा है, तो ऑप्शन वन इज रिकमेंडेड ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड, रिकमेंडेड ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स, ठीक है जी चले, टाइम हो गया है क्लास एंड होने का भी और नमाज का भी, इजलाल डिलीवरी कॉस्ट में बताया, डिलीवरी सेल्स को डिवाइड किया, एक डिलीवरी 600 रुपए की होती है, एक डिलीवरी 600 रुपए की होती है, नंबर ऑफ डिलीवरी आ जाएंगी, कोई बात नहीं नंबर ऑफ डिलीवरी आ जाएंगी,
ठीक है ना, 3 मिलियन 30 मिलियन में 600 डिवाइड करो, डिमांड डिलीवरी आ जाएंगी, उसको मल्टीप्लाई कर लो कॉस्ट पर डिलीवरी से। अच्छा इसका स्नैप ले लें यार प्लीज, और पीछे इसका किताब में सोल्यूशन मौजूद है, बहुत जबरदस्त, पीछे इसका किताब में सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, मौजूद है, ये है सोल्यूशन, यहां से देख लो यार, ये रहा सोल्यूशन किताब में, 185 डिलीवरी कॉस्ट लेस करी गई, देख रहे हैं किताब में इसका पूरा सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है जी, चले यहीं तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह रेलेवेंट कॉस्टिंग की क्लास अब कब शुरू हो रही है, सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह रेलेवेंट कॉस्टिंग की क्लास है और टेस्ट भी है, प्लीज टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह सैटरडे को मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।